हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक बड़ी ही यूनिक चीज दिखाना चाहता हूँ यूके के बारे में। जैसा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लोग बड़े लेजी होते हैं जब खाने का मामला होता है। वैसे तो हर चीज करते हैं, लेकिन जब खाने का टाइम आए तो वो बड़े ही लेजी होते हैं। कभी सैंडविच बना ली, कभी उन्होंने ऐसे ही कुछ बना लिया, जल्दी जल्दी बना के खा लेते हैं। हमारी तरह नहीं है कि पहले सालन बनाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर आपके बिरयानी बनाओ, या ऐसे बनाओ फिर सलाद काटो। तो ये ऐसे नहीं करते। ये जब इनको भूख लगती है तो हल्का फुल्का जो भी सामने है, जो 2-3 मिनट में रेडी हो, उसको बनाकर खा लेते हैं। तो एक चीज़ हम भी काफ़ी खाते हैं और ये इंडिया में भी लोगों को, बागों को बड़ी पसंद है, और वो है नूडल। यस दोस्तों, इंडिया में नूडल को बोलते हैं चाउमीन या घर पर बनाने वाली मैगी। तो यहाँ पर भी ये सब कुछ आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ही आसान तरीके की बनाने वाली नूडल आती है। यस दोस्तों, जिसके अंदर आपको करना है सिर्फ आप वो ढक्कन खोलो, लिड खोलो और उसके अंदर गर्म पानी डाल दो और 4 मिनट के लिए रख दो। यस दोस्तों, 4 मिनट बाद आपकी नूडल तैयार हो गई। ना आपको फ्राई पैन की ज़रूरत, ना आपको तेल की ज़रूरत, ना आपको मसाले की ज़रूरत, ना आपको गैस की ज़रूरत, कहीं की आपको ज़रूरत नहीं। सिर्फ गर्म पानी आपको चाहिए। और यहाँ पर गर्म पानी इंडिया की तरह नहीं करते कि पैन लिया या कोई बर्तन लिया जिसके अंदर गर्म पानी करेंगे। यहाँ पर ये कैटल यूज़ करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कैटल, अब मैंने ऑन की थी। ये 2-3 मिनट लेती है पानी गर्म होने में, लेकिन मैंने इसको पहले चला दी थी। अभी मैं देखता हूँ कि ये करती है कि नहीं। ये इसका रेड लाइट ऑन हो गई और ये जैसा आप देख सकते हैं ये पानी बिल्कुल तैयार है। और जो बात करें नूडल की, ये वो नूडल है दोस्तों। ये काफ़ी सारे फ्लेवर में आती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर पोर्क नूडल। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न बैट बॉय इन 4 मिनट। सिर्फ 4 मिनट में गरम पानी डालने के बाद ये आपकी नूडल तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही हल्का सा है, आपको यकीन भी नहीं आ सकता। ये बिल्कुल ड्राई हुई हुई नूडल है, सारा कुछ मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, सारे मसाले इसके अंदर तैयार है। आपको सिर्फ गर्म पानी डालना है और इसको 4 मिनट के लिए रख देनी है, और बीच में 2 मिनट बाद थोड़ा सा आपको इसको चम्मच डाल के घुमा सकते हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कैटल में पानी गर्म किया, इसके अंदर जो साशे होता है, जो छोटी सी एक मसाले की वो होती है, उसको मिक्स करी और 3 नंबर ये इसको घुमा के और खाओ। ये बहुत ही सारे फ्लेवर में आती है। ये वाली मेरी फेवरेट है, जो मुझे अच्छी लगती है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है, इसीलिए इसका नाम है बॉम्बे बैट बॉय। और ये 2-3 और भी हमारे पास रखी हुई है। ये हो गया ओरिजिनल करी स्टाइल, ये देखो इंडिया बनाया हुआ है। जब करी का नाम आता है तो इंडिया आता है। और जो तीसरे नंबर पे है वो है मशरूम, चिकन एंड मशरूम फ्लेवर दोस्तों। और भी इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, 5-6 से ज़्यादा 10-12 वैरायटीज आती है, लेकिन वो हम नहीं खाते। वो हो गई जैसे सी फूड हो गई, फिश हो गई या चाइनीज हो गई, वो उनका टेस्ट हमें इतना पसंद नहीं है, तो हम यही ज़्यादातर लाते हैं। और अभी मैं ये वाली खाऊंगा, और जो मेरा छोटा भाई सुफियान वो खाएगा ये वाली, उसको ये चिकन एंड मशरूम पसंद है। तो अभी मैं पानी डालता हूं और आप देखो। तो दोस्तों जैसे हमारा पानी गर्म हो गया, अब मैं इसको खोलता हूं, और इसको प्यार से खोलनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर मसाला होता है, कभी कभी वो गिर जाता है। तो इसको खोला, और खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं ये है, अगर आपको ज़्यादा ही स्पाइसी करना है, ये हॉट सॉस है, तो मुझे पसंद है, ये मैं बाद में ऐड करूँगा। और ये इसके अंदर का मसाला है, जैसा आप देख सकते हैं ये इसके अंदर से निकलता है। इसके अंदर ये मटर भी है और ये स्वीट कॉर्न भी है, सब कुछ है, और ये नूडल है इसके नीचे। तो अभी मैं इसके अंदर एक गरम गरम पानी डालता हूँ जो कि बॉयल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पानी, ये देखो बस दोस्तों इतना इसके अंदर पानी डालते हैं और इसको ऐसे ढक के रख देते हैं। अब जो नंबर 2 है, जो दूसरे के लिए है, ये मैं खोलता हूँ, और इसके अंदर का जो है ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर है सोया सॉस। ये इंडिया में बड़ा पसंद करते हैं सोया सॉस, जो चाउमीन के अंदर होता है। तो ये दोनों जब ये अच्छी तरह हो जाए तो बाद में इसको ऐड करेंगे। तो अभी इसके अंदर में मैं पानी डालता हूँ जो कि गर्म हो गया है। आपको अंदर से दिखा दूँ क्योंकि ये डिफरेंट फ्लेवर है, तो उसका कलर भी दूसरा है, इसके अंदर मसाले दूसरे हैं। इसके अंदर मशरूम है, चिकन का फ्लेवर है और नूडल है। तो इसको मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पर, और ये जैसा आप देख सकते हैं ये अभी इसके अंदर थोड़ा सा स्टार्ट हो गई। अब 4 मिनट के बाद आप देखते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट हो गई है, अब मैं इसको एक बार घुमा देता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे आने लगा,
और ये नूडल भी दिखने लगी हैं। तो ये अभी 2 मिनट हुई है, तो इसको अच्छी तरह से घुमा के दोनों को, और ये आप देख सकते हैं ये सारा मिक्स हो गया। इसको ढक के रख देता हूँ, और जो नंबर 2 है उसका भी आप देख सकते हैं ये पानी इसके अंदर चला गया। अब इसको सही तरह मिक्स करके अच्छी तरह, ये मसाला है, इसका कलर थोड़ा स्पाइसी है, ज़्यादा हॉट है थोड़ी सी, तो इसका इसीलिए इसका कलर हमारे मसाले की तरह है जो हम करी वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए इसको मैं रख देता हूँ, और 2 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं, क्योंकि 4 मिनट पूरे हो जाएंगे, तो 2 मिनट के बाद खोलते हैं इसको। राइट दोस्तों, तो आपकी 4 मिनट हो गई पूरी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नूडल बिल्कुल ही गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल रेडी टू ईट हो गई है अभी। और अब इसके अंदर मैं ये ऐड करता हूँ जो है मेरा हॉट सॉस, इसको ज़्यादा फ्लेवर देने के लिए। तो ये जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही लाल होता है, बिल्कुल जैसी पीसी हुई मिर्च होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा खट्टापन भी होता है। तो इसको देखते देखते मेरी तो मुंह में पानी आने लगा, शायद आपके भी आ रहा होगा। तो इसको ऐसे डाल के मैंने डाल दिया सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आपका बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया यहाँ पर, और जो नंबर 2 है इसके अंदर जो सोया सॉस इसके साथ आता है, ये इन्हीं की तरफ से आते हैं, आपके पास चॉइस नहीं होती कि कौन सा सॉस आपने डालना है। ये सोया सॉस जैसा आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन सा, जो ये सोया सॉस चला गया यहाँ पर, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया आपका नूडल तैयार, सिर्फ ऑल टुगेदर हमें सिर्फ लगे 5 मिनट इसको मिक्स करने में और रखने में, 5 मिनट में ये आपका तैयार हो गया। ना बर्तन आपके ख़राब हुए हैं ना कुछ। इनका कहना है कि थोड़ा टाइम खाने में बिताओ और ज़्यादा टाइम अपने सपनों को पूरे करने में बिताओ। तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर जो इंजीनियर वगैरह होते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो कम टाइम खाने में बिताते हैं, ज़्यादा टाइम अपनी रिसर्च में बिताते हैं। इंडिया में क्या होता है, ज़्यादा टाइम खाने में बिताते हैं और कम टाइम अपने काम घूम करने में बिताते हैं। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ये भी बिल्कुल ये ड्राई, ये नूडल है सॉरी पास्ता है, तो इसको भी आप एक बॉल में गर्म पानी लो और उसके अंदर डाल दो, ये भी आपका ऐसा ही रेडी हो जाएगा, इसके लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी 2 प्लेटें हैं, ये गोरे क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही ये खाने के लिए होती है, ये रेडी टू ईट होती है ऐसे, लेकिन मैं इसको प्लेट में डाल के थोड़ा अच्छा तरह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, और ये देखो दोस्तों ये आपकी पूरी नूडल तैयार हो गई, और ये नंबर 2 नूडल है। जैसा आप देख सकते हैं ये लाल हो गई है क्योंकि ये मिर्ची वाली है, और वो दूसरी है वो थोड़ी मशरूम जो वेजिटेबल होती है, और चिकन का उसके अंदर फ्लेवर होता है, चिकन नहीं होती सिर्फ फ्लेवर होता है। तो ये दोस्तों ये आपकी 2 नूडल तैयार हो गई, ये बिन में हम डाल देंगे, और अगर आपको ज़्यादा ही मज़ा लेना है तो आप थोड़ी सी ये सलाद इस पर डाल दो, और ये आपकी हो गई है बिल्कुल तैयार। आई होप आपने इंजॉय किया होगा फ्रेंड, और मैं आपको इसी तरह आगे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता रहूँगा यूके के बारे में कि यहाँ की लाइफ कैसे डिफरेंट होती है। तो ये बिल्कुल तैयार है, अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि 5 मिनट की मेहनत कैसी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसी बनी है जैसी मेरी अम्मी बनाती है, और अम्मी की ज़रूरत भी नहीं हुई। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो को शेयर कर दो ताकि हर किसी को पता लग सके कि यूके की लाइफ कैसी होती है। तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।